तो भाई मार्केट में खतरनाक सीरीज लॉन्च हो चुकी है। आ रहा हो कौन कौन से हैंडसेट आए हैं भाई अपने पास? तो दोनों हैंडसेट आ चुके हैं, इनके ऊपर अनबॉक्सिंग करते हैं क्विक वाली और आपको बताते हैं इस बार क्या नया है। हेलो टू ऑल, और बताओ सब बढ़िया? चलो ठीक। ये है सैमसंग का S24 अल्ट्रा और ये है सैमसंग का S24 प्लस। तो आज हम बात करने वाले हैं S24 अल्ट्रा के बारे में, इसका पूरा रिव्यू ओपन करते हैं, क्या क्या नए फीचर्स ऐड किए हैं सैमसंग ने तहलका मचा दिया है, मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। भाई सबसे पहले मैंने जब हैंडसेट को देखा तो एकदम से मेरे को लाइट वेट लगा, क्योंकि S23 अल्ट्रा मैंने यूज़ किया है, मैंने देखा है तो वो काफ़ी हैवी लगता है। हालांकि दोनों के वेट में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, पर इतना बढ़िया वेट मैनेजमेंट किया है इसमें सैमसंग ने, काफ़ी लाइट वेटेड लगता है क्योंकि इसने टाइटेनियम का यूज़ किया हुआ है, काफ़ी प्रीमियम, काफ़ी शानदार। और इस बार जो है 6.8 इंच की स्क्रीन है जो कि फ्लैट स्क्रीन सैमसंग ने दी है, यहाँ पर अपने को कर्व डिस्प्ले नहीं मिलता है। तो गाइस देखते हैं सैमसंग ने क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले देख लेते हैं अपन फ़ोन को, तो नीचे की ओर सबसे पहले हमको मिलता है एस पेन, स्पीकर, टाइप सी पोर्ट, एक अपना माइक होल प्लस एक सिम ट्रे। राइट साइड में हमको मिलता है पावर बटन और वॉल्यूम रॉकर्स, ऊपर में हमको मिलता है गाइस नॉइस कैंसिलेशन, और लेफ्ट साइड में पूरा फ्रेम टाइटेनियम का फ्रेम है जो कि काफ़ी स्लीक स्लिम, बहुत ही प्यारा डिज़ाइन दिख रहा है। तो गाइस इसका डिस्प्ले 6.8 इंच का एमोलेड 2X डिस्प्ले है, डिस्प्ले बहुत ही कमाल का है, बहुत ही शानदार डिस्प्ले दिया हुआ है। इसमें गोरिल्ला ग्लास आर्मर नया प्रोटेक्शन दिया हुआ है, काफ़ी कम स्क्रैचेस वगैरह आएंगे। 2600 निट्स की पीक ब्राइटनेस है इसमें, एक अलग ही लेवल पे लेके गया है। आउटडोर वगैरह में एकदम भी दिक्कत नहीं जानी है और इसका ग्लास ऐसा है रिफ्लेक्शंस वगैरह बहुत ही कम है। भाई परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं अपन, स्नैपड्रैगन 8 जेन 3 दिया हुआ है, परफॉर्मेंस में काफ़ी अच्छा है और One UI 6 बहुत ही स्मूथ है। पहली बार सैमसंग का हैंडसेट मुझे इतना स्मूथ लग रहा है। बस 5000 mAh की बैटरी, 45W का फास्ट चार्जिंग। सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा द सैमसंग AI फोन, मतलब AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बहुत शानदार फीचर है इसका, सर्कल टू सर्च यूज़ कर रहे हैं अपन, मान लो ये रील देख रहे हैं, अपने को ये प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज नहीं है, अपने को सिंपली यहाँ क्लिक करना है, यहाँ एक सर्कल बनाना है और ये अपना सामने क्या प्रोडक्ट है क्या है, अगर कहीं परचेस करना है उसकी लिंक, तो किसी प्रोडक्ट हो गया या कोई सेलिब्रिटी हो गया उसको, गाइस ये तो आप जानते ही होंगे कौन है। अगर हमको इनका जैकेट के बारे में जानकारी चाहिए कि ये भैया कहाँ से लिए हैं, कौन सा पहने हैं, तो ये अपने को जैकेट मिल जाएगा, आपको लिंक मिल जाएगी। वही आयु बाबा की फ़ोटो है, ये अपन ने फोटो निकाली है, बीच में कुर्सी आ गई है। तो AI का यूज़ करते हैं अपन, ये गैलरी में बहुत शानदार फीचर दिया, ऑब्जेक्ट इरेजर, अपने को सिंपली कुछ नहीं करना है, ये कुर्सी को अपन सर्कल करेंगे इरेज, तो AI के थ्रू ऑटोमेटिक एक शानदार फोटो निकल के आ रही है, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि कुछ था। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं और बहुत सारी चीज़ें आने को हैं। तो भाई नोट्स में कमाल का AI फीचर डाल के दिया हुआ, जैसे हमारे नोट्स वगैरह, जैसे आप कुछ कर रहे हो, कुछ लिख रहे हो, उसको AI के थ्रू अपन डायरेक्ट समराइज कर सकते हैं। ये AI लगा, फिल्टर हुआ, ये हमारे एकदम पूरी समरी दे देगा। तो गाइस इसमें चैट ट्रांसलेशन दिया हुआ है, सैमसंग कीबोर्ड में AI डाला गया है, काफ़ी अच्छा फीचर मुझे लग रहा है ये। अपन जैसे हिंदी में लिखते हैं उसको हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, इंग्लिश में लिखते हैं हमें हिंदी में ट्रांसलेट करना है, बहुत सारी इसमें लैंग्वेज दी हुई है, तो ये ऑटोमेटिक उसको ट्रांसलेट कर देता है। ये भी बहुत कमाल का फीचर है, तब कि सैमसंग में सबसे बढ़िया फीचर, सबसे शानदार फीचर मुझे लगा, यदि आप कॉल कर रहे हैं तो चलो मैं एक डेमो देता हूँ आपको, ऐसे नहीं बताऊँगा, ऐसे मज़ा नहीं आएगा। गाइस अब अपन आयुक्त को कॉल कर लेते हैं और इसका सैमसंग का लाइव ट्रांसलेशन चेक करते हैं। हेलो, तो आयु हाउ आर यू? हेलो, आप कर रहे हैं, आप कैसे हैं? मैं तो ठीक हूं। आई एम फाइन ब्रदर। एंड व्हाट आर यू डूइंग? कुछ नहीं भैया, बस बैठे हैं। He's just sitting. You wanna talk to your girlfriend? लिखने वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। सैमसंग कैमरा, अल्ट्रा का कैमरा, 200 मेगापिक्सल
50 मेगापिक्सल, 12 मेगापिक्सल, 10 मेगापिक्सल क्वाड कैमरा दिया हुआ है। सबसे बड़ी खासियत इसकी है 4K वीडियोस आप किसी भी लेंस से 60 FPS पे यूज़ कर सकते हैं, प्लस आप कैमरे शिफ्ट भी कर सकते हैं, फ्रंट कैमरे से भी आप यूज़ कर सकते हैं। फ्रंट कैमरा 12 मेगापिक्सल का दिया हुआ है। इसकी कैमरा क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी मैं आपको दिखाता हूँ। निकाल लेते हैं। नहीं यार, एक कोटेड शॉट्स तो इस पपी का बनता है। काफी शानदार फोटोज आ रही है, आप देख सकते हैं स्क्रीन में। तो गाइस ये 8K में वीडियो मैंने एक सिनेमैटिक शॉट लिया हुआ है। काफी शानदार लग रहा है, काफी स्टेबल लग रहा है, आप चेक करके बताइए। बहुत ही शानदार है। फ्रंट कैमरा इसका 12 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है। तो अपन ब्लॉगिंग वगैरह, मेरे ब्लॉगर भाई लोग वगैरह जो भी ये अपना वीडियो शूट हो रहा है। एक नॉर्मल वीडियो है, ये भी AI का एक बहुत शानदार फीचर जो है। एक नॉर्मल वीडियो अगर अपन शूट करते हैं, जैसे बाबा झूला झूल रहा है US वाला, तो अपन ने वीडियो को सेव कर लिया, देन अपन चले गए गैलरी में। अपन इसको स्लोमो कर सकते हैं AI की मदद से। अब ये अपना 10x, काफ़ी शानदार फोटो निकल के आ रही है। 100x अपन जूम करके देखते हैं कि पिछले बार से कितना और अच्छा दिया है हमें 24। थोड़ा सा क्या जूम होता है तो स्टेबिलिटी में थोड़ा सा इशू आता है, बाकी अपन एक फ़ोटो तो निकाल ही देंगे। हमारा S24 अल्ट्रा का पैकेज, ये अपने को मिलता है 256 GB, 512 GB, 1 TB। ये सारे कलर्स इसमें अवेलेबल हैं, आप कोई भी कलर इसमें यूज कर सकते हैं। सबसे बढ़िया अपडेट मुझे AI का लगा। AI नेक्स्ट लेवल है, आने वाली जनरेशन होने वाली है। हालांकि इसमें सैमसंग ने बहुत बड़ा अपग्रेड ये भी दिया है, 7 साल तक हमें सिक्योरिटी अपडेट्स मिलेंगी इसमें, 7 साल तक OS अपडेट्स मिलेंगी इसमें, जो कि अभी किसी भी कंपनी द्वारा प्रोवाइड नहीं की जा रही है। गाइस वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करते रहें।